हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज है 11 जून, संडे का दिन है आज, और सुबह के बज रहे हैं अभी 4 और 4 बजे। हम निकलने लगे हैं कहीं बाहर घूमने फिरने, और कुदरत को ना हमने सुबह सुबह ऐसे ही उठा लिया है, क्योंकि आपको पता है, आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि उसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ढीली थी, बट पूरी रात उसने अच्छे से निकाली। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम चले जाएँगे, और हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उसको बस ऐसे ही उठा लिया। रात को मैंने इसे नहला कर ही सुलाया था, बस कपड़े चेंज करने थे, तो सोचा कि गाड़ी में कर लेंगे या वहाँ पर पहुँच कर कर लेंगे। जहाँ हम जा रहे हैं हम आपको आगे बताएंगे। और लो, मैडम उठ भी गई। हमने सोचा था कि इसको हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये मैडम उठ गई। और इसकी मासी जा रही है हमारे साथ, और मेरी मदर इन लॉ भी जा रही है। सुबह का टाइम है तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, और बस अभी जसप्रीत गाड़ी निकालने वाले हैं और हम बस अभी निकल जाएंगे। काफ़ी अच्छा मौसम था, सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मतलब काफ़ी देर बाद मैंने ये वाला जो क्लिप है वो लिया। गाड़ी में बैठने के बाद दिल ही नहीं कर रहा था कि कोई क्लिप लूँ मैं। हाँ जी जनाब, अभी बज रहे हैं 7, और हम यहाँ पे मतलब ब्रेक मार लिया हमने ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी हमने वॉशरूम गई हैं, तो हम आ जाएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या खाना है क्या नहीं। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ चलते। आ जाओ कुदरत की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए हम उसको वैसे ही ले आए जैसे ये सो रही थी। तो प्लीज़ इस चीज़ को लेकर जज करना। यार उतर ही ना जाए पटरी तो पागल। तो यहाँ हम उतरे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने तो अपने लिए ऑर्डर करे थे सैंडविचेस, क्योंकि पराठा पता नहीं मन सा नहीं था पराठा खाने का, बट जसप्रीत ने पराठा ऑर्डर किया था अपने लिए आलू प्याज का। और जब वो पराठा आया ना उनके लिए बनके, तो मेरा मन कर गया कि पराठा मैं खाऊं। सैंडविच ऑर्डर करके मैंने शायद गलती कर दी, मतलब ऐसा मैंने सोचा था उस टाइम पर, और सच में ऐसा ही हुआ। सैंडविचेस नॉर्मल अजीब से थे, मतलब वैसे ही थे जैसे हम घर पर बनाते हैं, बल्कि जो घर पे हम बनाते हैं वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बट ये कुछ अच्छे अच्छे से नहीं थे। इससे अच्छा तो जसप्रीत ने जो अपने लिए पराठा ऑर्डर किया था वो ही था, बट कोई बात नहीं, अब मैंने ऑर्डर किया था तो खाना तो था ही। और ये काफ़ी ज़्यादा ना हैवी भी हो गया था, क्योंकि इसके अंदर मायोनीज़ भी थी और चीज़ भी थी। और मैं ना ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि मेरा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया पहले से। पहले मैं डाइट कर रही थी तो कंट्रोल में था, और मुझे लग रहा है अब फिर से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो पीछे वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही है, ये है कुदरत। और यहाँ सामने ना कुछ झूले वगैरह नज़र आ रहे हैं, कुदरत को हम बस वहीं लेके जा रहे हैं, लेकिन वो झूले अभी चल वल नहीं रहे हैं, मतलब मैनुअली ना लोग उसको चला रहे हैं। फिर थोड़ा देखते हैं क्या है क्या नहीं। कुदरत थोड़ा सा खुश हो जाएगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर वगैरह है, तो इसलिए वो ना थोड़ी इरीटेट हो रही है। आ जाओ कुदरत, आओ बैठोगे आप ट्रेन के ऊपर? हो जाए, अभी बंद है झूले, लोग ना मैनुअली इसको सिर्फ चला रहे हैं। चलो देखते हैं अभी। सो अभी 8:30 बज गए हैं, हम ब्रेकफास्ट करके कब से निकल गए थे वहाँ से, और अभी हम ना पहुँच गए हैं हरिद्वार। तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, तो काफ़ी मतलब ना ये जो अच्छा लग रहा था देख के, काफ़ी मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा था ये ओम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और गर्मी भी थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। अप डाउन करते होने लोग है ना, रहने का कोई और ही होना चाहिए। बने हैं कमरे कमरे नहीं बने तो हैं, वैसे मैं गल कर रही हूं इन्ने कमरे मान पियो पहला। हां जी जनाब, सो अभी टाइम क्या हो रहा भाई, हमेशा की तरह बताओ जल्दी टाइम। 8:40 हाँ, और अभी हम हरिद्वार में हैं। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, मतलब मैं पहली बार देख रही हूँ ये सब। किरणें सब कुछ ही पहली बार देखा। ज्यादा नहीं हो रहा है इनका कोड सेट? कंटिन्यू कोड सेट देखो जरा इनका, फनी लग रहे हैं ना, कमेंट करके बताना। हाँ जी, बता देना कैसे। हम घर से इतना सज धज के निकले थे, और
और ये देखो हालत। हाँ जी, मैंने प्यारा सा वो लगाया था, टेंट लगाया था यहाँ पे, सब उतर उतर गया। हालांकि इसी में बैठे बट नींद आ रही इतनी ज्यादा। सुबह जसप्रीत ने मुझे उठा दिया था 2:45 के करीब, और बस अब नींद बहुत ज्यादा। कार चलानी है? कार चलानी है? चलो चलाओ। जैसा भी होगा, जहाँ पे भी जाएंगे आप सबको लेके जाऊंगी मैं हमेशा की तरह। ये देखो कुदरत, चोन मक्खन हेलो करो सब। करते दिखता। हाय हाय कर दो। ये नानू नानी को भेजेंगे वीडियो। हाय कर दो। हाय हाय बजाना। हाय जी जनाब, टाइम की हो रहा है 12:10 हो गए और फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं अभी अंदर। गर्मी तो है यार यहाँ पे, बट अच्छा है जो भी है। मैं आपके साथ एवरीथिंग शेयर करूँगी। कुदरत की हालत देखो और हमारी भी हालत देखो यार गर्मी में। वाओ, वेरी नाइस व्यू। सो एज यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल। आपको ब्रीफ में दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा हम भी ज़रा फ्रेश हो जाएं, फिर हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। इस टाइम का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है। धूप है काफ़ी, बट इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। जो दिल्ली में हाल है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी जनाब, सो हम ना ज़रा इस रिज़ॉर्ट को थोड़ा सा चेकआउट करने के लिए आ गए हैं बाहर। अभी थोड़ी गर्मी है तो इसलिए। वाओ, फ्लावर कितने सुंदर हैं यार इस मौसम में फ्लावर। अरे वाह, कुदरत देखो इंजॉय कर रही है झूले में। शाम को यहाँ पर मज़ा आएगा। गिर तो नहीं जाऊंगी? नहीं गिरोगे, झूला गर्म है यार। अभी वेदर बढ़िया हो जाएगा। सो फाइनली हम आ गए हैं हमारे रूम में। बहुत सुकून मिल रहा था यार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और इस रिज़ॉर्ट में ना 3 तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम रुके हैं रॉ वुड रिज़ॉर्ट में, और हम अभी इस वक्त हैं कानाताल उत्तराखंड में। और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है, दिल्ली से बहुत ही बेटर है। धूप यहाँ पर आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे लिया था स्काई व्यू रूम। 3 तरीके की कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है। पहला है डीलक्स रूम्स, और दूसरा है सुपर डीलक्स, और जो 3rd कैटेगरी में आते हैं वो है ये स्काई व्यू रूम, जहाँ से आप स्काई का जो है वो इंजॉय कर सकते हो, स्काई का व्यू जो है वो इंजॉय कर सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको अलग से फैमिली रूम्स जो है वो लेने होंगे। हमें भी वही रूम्स लेने थे, बट वो जो रूम है वहाँ पे जगह ही नहीं थी, तो इसलिए हमने ये रूम बुक किया अपने लिए। यहाँ पर बेड के ऊपर तो हम तीनों जने सो जाएंगे, और जसप्रीत जो है नीचे मैट्रेस जो है वो बिछा लेंगे। जसप्रीत और कुदरत तो मैट्रेस के ऊपर सो जाएंगे नीचे ज़मीन पर, और हम तीनों लेडीज़ ऊपर सो जाएंगे। हमें ना काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि हमने ये वाला रूम बुक किया अपने लिए, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि बाकी रूम्स तो अवेलेबल ही नहीं थे। रिग्रेट क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो बेड के ऊपर सीधी धूप आ रही है, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है, क्योंकि ये जो रूम है ना ऊपर से टफन ग्लास से कवर है। ऊपर कॉन्क्रीट थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, बट सारा का सारा टफन ग्लास से कवर्ड है, ताकि हम रात में या दिन में स्काई को इंजॉय कर सकें। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी थी तो धूप बिल्कुल अंदर तक आ रही थी, जो कि मतलब सही नहीं था। हम बेड के ऊपर लेट भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने क्या किया, ऊपर जो है ऊपर कवर कर दिया। तो
तो हमें काफ़ी रिलीफ मिला उस चीज़ से। यहाँ का स्टाफ सच में बहुत अच्छा है। फूड कैसा है यहाँ का वो मैं आपको आगे ही बताऊँगी और सारा का सारा रिव्यू भी दूंगी इस रिज़ॉर्ट का। कुदरत की तबीयत ठीक नहीं थी जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो यहाँ पे आके ऐसी चार्ज हुई कि इसने इस रूम की मतलब हालत ही ख़राब कर दी। हर ड्रॉर ये खोल खोल कर देख रही थी कि शायद इसके लिए कोई खिलौना मिल जाए। सारी चीज़ खोल खोल के देख रही थी और बहुत ज़्यादा हमें ना मतलब भगा रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक जगह टिक के बैठ ही नहीं रही थी। मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा इसको ज़्यादा खुशी हो रही थी यहाँ आने की।